नमस्कार दोस्तों, दबंग ब्लॉगर में स्वागत है। इस समय मैं हरैया बाजार में हूँ। एक गाड़ी गिरी, दो गाड़ी गिरी, तीन गाड़ी गिरी और ये रहा बाजार का पूरा दृश्य। आप लोग देख रहे हैं, मैं इलेक्ट्रिक का घर का पूरा सामान खरीद के लेके निकला हूँ और ये बाजार के चारों तरफ का आप नज़ारा भरपूर देख सकते हैं। यहाँ से ई रिक्शा करके अब मैं सीधा घर के लिए निकल रहा हूँ। अभी भी ये हमारे इस क्षेत्र का सबसे बड़ी मार्केट है जिसको हम हरैया बाजार के नाम से जानते हैं और हम अब सीधा निकल रहे हैं अपने गांव के लिए। यहाँ से सामान हम लोग जो 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 ज़रूरत था इलेक्ट्रिक का वो पूरा ले लिए और लेने के बाद हम लोग अब सीधा निकल रहे हैं गांव की तरफ। अब मुख्य मार्ग पे हम आ गए हैं। ये हमारी गांव की नदी है जो गांव से निकलती है और इस समय यहां पे आप देख रहे हैं पूरा मनोरमा नदी है। एक घर के सामने से हमारे निकल के यहां पे कम से कम हम अभी अपने गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पे हैं और ये नदी वहां से बहते बहते यहां आ गई है। बहुत ही पवित्र और शुद्ध नदी है ये। हम लोग अब यहाँ पे मुख्य मार्ग पे आ गए हैं। देखिए सब बाजार के छोटी छोटी जगह पे बड़ी बड़ी चीजें बिक रही है। यहाँ पे सब जनरल स्टोर और यहाँ पे ये सब फल फ्रूट और सब होटल की दुकानें हैं। अब हम यहाँ से निकलते हुए सीधा अपने गांव की तरफ। ये हरैया से लेकर लखनऊ, फैजाबाद, अयोध्या से ये मुख्य मार्ग है। अब हम मुख्य मार्ग पे आ गए, बाजार से निकल के सीधा बाहर आ गए। बरसात का समय है लेकिन बरसात बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। इस समय गर्मी बहुत जोर में है और सबसे अच्छा साधन है गांव पे जाने के लिए चीप एंड बेस्ट ई रिक्शा, क्योंकि बाइक के ऊपर ये सब सामान और ऊपर रखा हुआ है पाइप का बंडल, वो तो जा नहीं सकता है। इसके लिए हम ई रिक्शा किए हैं। चलिए दोस्तों, फिर जब हम और नजदीक आ जाएंगे तो आप लोग को मिलता हूँ। ये देखिए, आप सामने से देख रहे हैं पृथ्वीराज चौहान स्मृति द्वार। हम सीधा अपने गांव के लिए हरैया से जो सड़क जाती है हमारी बाजार होते हुए सीधा हम अपने गांव के लिए निकलेंगे यहां से। अब जो मुख्य मार्ग था उसको छोड़कर यहां से भी ये बाईपास जिसको बोलेंगे सीधा अयोध्या के लिए यही सड़क जाके आपको मिल जाएगी विक्रम ज्योत होते हुए। और हम सीधा अब निकल रहे हैं यहाँ से अपने गांव के लिए। आप देख सकते हैं कि गन्ने की फसल चारों तरफ से एकदम लहरा आ रही है। पूरा इस साइड में धान की फसल है और दूसरे साइड में गन्ने की फसल, पूरा इस समय सीजन ही हुई है। यहाँ पे नया पेट्रोल पंप भी खुल गया है मार्केट पे, सुविधा भी बहुत अच्छी हो गई है। यहाँ आप देखेंगे तो इस समय धान की जो प्रमुख फसल है हर तरफ से लगाई गई है। यहाँ पे गन्ना और धान इस समय, आज मैं पहली बार देख रहा हूँ यहाँ पे मकाई बोई गई है। नहीं तो मकाई का कोई खेती नहीं करता है हमारे यहाँ, इसको जनरी कहा जाता है। उस समय कोई भी खेती मकाई की नहीं करता है। आप देख सकते हैं चारों तरफ इस समय फसल हर तरफ लगी हुई है। ये सड़क के किनारे छोटे छोटे लोग घर बना लिए लेकिन फिर भी खेती तो इसके आगे पीछे है ही चारों तरफ। ये देखिए, ये गन्ने की फसल है और हम लोग धीरे धीरे अब अपनी घर की तरफ निकल रहे हैं। बहुत ही अच्छा मौसम है इस समय यहाँ का। आपको मैं देसी जुगाड़ का एक नमूना बना रहा हूँ।
एक साइकिल यहाँ पे मोटरसाइकिल बंद हो गई, दूसरे को रस्सी से बांध के आराम से खींचते हुए लेके जा रहे हैं। सामने जो दो मोटरसाइकिल जा रही है, लाल शर्ट पहने वाले आराम से रस्सी से बांधे हैं और एक को खींचते खींचते लेके जा रहे हैं। क्या जुगाड़ है इनका, मस्त एकदम। परिस्थिति ऐसी रहती है कि जुगाड़ कोई ना कोई बन ही जाता है। यहाँ पे आगे दोनों जो जा रहे हैं बाइक, इसके अंदर आगे वाली गाड़ी को पीछे से रस्सी से बांध के आराम से टोइंग करके लेके जा रहे हैं। बढ़िया जुगाड़ है, बहुत कुछ देखने को और बहुत कुछ सीखने को ऐसी जगहों पे मिलता रहता है। हरैया से निकलकर हम लोग 8 किलोमीटर चलकर गाड़ी से अब अपने जो बगल में गांव के बगल का बाज़ार है, हमारी बाज़ार में आ गए हैं। यहाँ पे जो दुकानें हैं, बढ़िया दुकानें हैं। यहाँ पे हमारा जो बाज़ार होता है छोटे मोटे सामान खरीदने का, अधिकतर यहीं से होता है। यहाँ पे बस यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर दूरी पे हमारा गांव है। हमारा यहाँ से गांव कोहल मिश्र पड़ता है और दूसरा जो गांव है वो बाबा कलानी पड़ता है। इस समय हम बाबा कलानी के लिए निकल रहे हैं और ये जो बाज़ार थी, अब बाज़ार यहाँ से ख़त्म हो गई है। छोटी मोटी दुकानें अभी भी शेष हैं, यहाँ पे चलती हैं, लेकिन मुख्य बाज़ार जो था वो ख़त्म हो गया है। चलिए अब अपने गांव के ही बगल में आप लोग से मुलाकात करते हैं। हम लोग बस बिल्कुल गांव के करीब में पहुंच गए हैं। अब यहाँ से सीधा यही जो छोटी सी सड़क है ये गांव के अंदर चली जाएगी। ये देखिए पीछे की सड़क हम लोग छोड़ के ये सड़क आगे जो है वो उतरते हुए अयोध्या फैजाबाद के लिए निकल जाएगी। ये जो छोटी सी आपको यहाँ पे तालाब जैसा दिख रहा है, यही बाहवा है और इसी के नाम पे बाहवा कलानी नाम पड़ा है। ये देखिए बहुत खूबसूरत दिख रही है सब। इस समय धान की फसल और कहीं कहीं पे आपको गन्ने की फसल दिखाई देगी, बाकी और कोई दूसरी फसल यहाँ पे इस समय नहीं लगाई जाती। हमारे बचपन में जो फसलें लगाई जाती थी वो तो सब अब ख़त्म हो चुकी है। मक्का था, ज्वार था, बाजरा था, उड़द था, अरहर थी, ये सब प्रमुख फसलें हुआ करती थी। लेकिन क्या मालूम कौन सा समय आ गया है कि अब सब पूरी फसल ना लगा के खाली धान और गन्ने की फसल दिखाई देती है। कहीं कहीं पे आपको ये चरी जो हमारे यहाँ बोई जाती है वो दिखाई देती है। आ गए अपने गांव में, देखिए सामने से सब पूरा यहाँ पे धान गन्ने की फसल सब दिखाई दे रही है। अब आ गए अपने गांव में, अगवा अगवा है, आगे है गांव से घर। चलिए अब हम आपको घर पे ही मिलते हैं। आ गए अपने दरवाजे पे, ये रहा पूरा सब ऊपर लगा हुआ सामान और फिर अब पहले सामान उतरवा ले, फिर आप लोग को मिलते हैं। इलेक्ट्रिक का सामान तो सब आ गया, खुशी भी आ गई घर पे, छत लगने वाला है इसके लिए खुशी आई है। वो पीछे छुपी है, देखो वहाँ से दिख रही है, ये आ गई खुशी। और छत अभी लगने वाला है, हमारा मोरंग भी गिर गया, पिताजी भी खड़े हैं और इस टाइम का पूरा मोरंग कल जो हमारा आया, हम बहुत परेशान थे क्योंकि अगर थोड़ी भी बारिश हो जाती
तो काम नहीं हो पाता। इतना मोरंग यहाँ पे डंप किया है और बाकी का मोरंग यहाँ पे डंप किया गया है। सामने से आप देख रहे हैं पूरी गिट्टी जो लगने वाली है वो भी डंप हो गई है पूरी। ये हमारा आगे का पोर्च है, आगे घर है, ये पुराना जो मकान है आरसीसी छत का पिताजी ने लगवाया था वो है, अभी ये नया बन रहा है पूरा। आप चारों तरफ से देख सकते हैं यहाँ पे, और ये मशीन भी शायद कल यहीं लगेगी, इसको भी साफ सफाई शाम को कर लेते हैं। सामने आप देख रहे हैं वहाँ पे गिट्टी डंप किया गया है, सामान तो सब इकट्ठा हो गया है, और इसके बाद फिर हम लोग अब छत लगाने की तैयारी करते हैं। साइड का भी जो पोर्च का पोर्शन है वो भी पूरा क्लियर हो गया है। ये रहा पूरा, सामने से आप देख रहे हैं सामान थोड़ा थोड़ा इकट्ठा जो करना था हमको, मोरंग गिट्टी सीमेंट सब इकट्ठा हो गया है। अभी हमारा विचार है कि गणेश चतुर्थी के दिन छत लगवाएं, छत का काम पूरा होते ही फिर और जो दूसरे काम हैं वो भी शुरुआत कर लेंगे। और ये रहा ऊपर का एक जो सीढ़ी के लिए है उसके लिए, उसका भी छत इसी समय लगवा लेंगे। ये आप देख रहे होंगे ऐसा ये पूरा मकान, ये जो दरवाज़ा हमारा बहुत बढ़िया दरवाज़ा था पुराने मकान से जो निकाले थे, लेकिन अब वो नहीं लग पाएगा क्योंकि वहाँ पे दूसरा दरवाज़ा निकलेगा वो लगेगा। चलिए दोस्तों, फिर मैं आपको कहीं और मिलता हूँ, तब तक के लिए जय श्री राम।